हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीस्टोन। दोस्तों मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 18V पड़ा हुआ है। आज इस फॉर्म को मैं आपको फिल करके बताऊंगा। दोस्तों इस फॉर्म का काम कहाँ पर आता है उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। तो अगर आप OBC सर्टिफिकेट बनाते हैं या आप बोले EBC सर्टिफिकेट बनवाते हैं नन क्रीमी लेयर के लिए, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म शपथ पत्र आपको देना पड़ता है, जो कि ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म भरना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट मैंने सोचा यार किसी किसी को ये फॉर्म भरने में नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको बता दो कि इस तरीके के फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये कैसा फॉर्म है, बस नॉर्मल फॉर्म है, इसको भर के मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो जिस नाम से आप OBC सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पुत्र पुत्री, अगर आप लड़का है तो आप यहाँ पर पुत्र टिक कीजिए, अगर आप लड़की है तो पुत्री टिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिताजी का नाम लिख दीजिए। पिता का नाम लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं निवासी, ग्राम, कस्बा, शहर जो आपका है, अगर आपका ग्राम है तो ग्राम टिक कीजिए। और यहाँ पर अपना आप गांव का नाम लिख दीजिए, जो आपका गांव का नाम है। दोस्तों मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दिया हूँ गांव का। और उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट में अपना आप पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख दिया हूँ। उसके यहाँ पर आपको अपना थाना का नाम डालना है। उसके बाद इस साइड आप आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रखंड का नाम डालना है, जो आपके प्रखंड का नाम है। यहाँ पर आप अपना जिला का नाम डालना है। यहाँ पे आपको बिहार डाल देना है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो अगर आप लड़का हैं तो आप कर्ता सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो लड़की है तो करती। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जाति का नाम डालना है। जो सही सही जाति का नाम है वही डालिए। तो यहाँ मैं अपना जाति का नाम डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैं अपना जाति का नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर कर्ता करती को टिक कर देना है एंड आपको ये छोड़ देना है, आपको इस फॉर्म में कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप जिस नाम से आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका यहाँ पर हस्ताक्षर आपको करना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया हूँ। आपको इस तरीके से फॉर्म भर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको स्कैन करवा लेना है। या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं या अपने प्रिंटर से स्कैन करवा लेना है। और उसके बाद आपको सिंपल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाए हैं और आप चाहते हैं कि हम ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख भी सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म नंबर 18B को ईजिली। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है। किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है किसी तरह की सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई फॉर्म आप भरवाना चाहते हैं हमसे, सीखना चाहते हैं फॉर्म भरना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।